हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन पर। आज के इस वीडियो में बहुत ही अहम जानकारी आपको मिलने वाली है। TGT 2021 के परिणाम की सूचना निकल कर आ रही है। वहीं पर TGT PGD 2022 में कितने रिक्त पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और LT ग्रेड नई भर्ती कितने पदों पर आएगी, कब तक आएगी, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं TGT 2021 के परिणाम को लेकर। जैसे कि आपको सूचना दी गई थी कि परिणाम पिछले हफ्ते में आने की संभावना पूरी थी, लेकिन आधिकारिक जानकारी के अनुसार परिणाम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एक साइन की वजह से परिणाम रुका हुआ है और जैसे कि सूचना प्राप्त हो रही है कि आने वाली 28 तारीख से पहले, यानी कि 2 से 3 दिनों के पहले TGT 2021 का जो परिणाम है वो पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर सत्यता इसलिए भी है इस जानकारी में क्योंकि 31 अक्टूबर की जो तलवार है सुप्रीम कोर्ट की, वो चयन बोर्ड पर लगातार लटक रही है। 31 अक्टूबर तक TGT PGT 2021 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होनी है, जिसमें PGT का जो साक्षात्कार है वो लगातार जारी है। इसलिए TGT का परिणाम यहाँ पर अहम है। उम्मीद है 28 से पहले जो सूचना प्राप्त हुई है ये जारी होगा। आधिकारिक घोषणा होते ही आपको सूचना दी जाएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात कर लेते हैं कि LT ग्रेड नई भर्ती सूचना को लेकर। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था और आदेश भी दिखाया था कि जो अधियाचन है, जो रिक्त पदों का डेटा है, वो समस्त जो भी निरीक्षक हैं विद्यालयों के उनसे मांग लिया गया है और 26 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है उसे भेजने की। और इस पर अभी प्रक्रिया थोड़ा धीमी गति से है क्योंकि TGT PGT 2021 भर्ती प्रक्रिया पूरी करना बहुत ही आवश्यक है 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर के बाद इस पर जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तेज़ी से होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि विभाग अलग अलग हैं लेकिन भर्तियां एक एक करके यहाँ पर आएंगी अलग अलग तरीके से, इसलिए यहाँ पर इसके प्रक्रिया चालू हो जाएगी और 15 नवंबर के बाद जो इसका डेटा है वो लगभग एकत्रित हो चुका होगा और उसी के बाद आपको यहाँ पर विज्ञापन जो है नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का देखने को मिलेगा। रिक्त पदों की अगर बात करें तो पहले से भी आपको जानकारी दी है और अभी भी यही है कि 8,500 पद मिनिमम से लेकर 12,500 के बीच में रिक्त पद यहाँ पर होने वाले हैं। यही सूचना पहले भी दी गई थी और यही प्राप्त हो रही है कि 8,500 से 12,500 के बीच में रिक्त पद LT ग्रेड नई शिक्षक भर्ती में होने वाले हैं और नवंबर में इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट है TGT PGT 2022 नई भर्ती को लेकर। सूचनाएं पहले मिल रही थी कि 27,000 पदों पर यह भर्ती आएगी, लेकिन अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार लगभग जो इस बार TGT PGT 2022 में रिक्त पद होने वाले हैं वो 17,000 के आसपास रहने वाले हैं। जी हाँ, 17,000 के आसपास रिक्त पदों पर नई TGT PGT 2022 भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलने वाला है। इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसी वर्ष इसका जो नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन 2022 का, वो आपको देखने को मिल सकता है। प्रक्रिया अगले वर्ष 2022 में ही पूर्ण हो पाएगी और लेकिन विज्ञापन, आवेदन, ये सभी चीज़ें आप इसी वर्ष देख सकते हैं। तो TGT PGT नई भर्ती, LT ग्रेड और TGT 2021 के परिणाम से संबंधित यह महत्वपूर्ण सूचना थी जो आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।